दोस्तों, सुपर संडे के दिन दो धमाकेदार रोमांचक महामुकाबले खेले गए थे। पहला मुकाबला दोपहर में कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया था, जबकि दूसरा मुकाबला शाम को डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया था। इन दोनों ही सुपरहिट मुकाबले की समाप्ति के बाद आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में बहुत ही बड़ा बदलाव हो चुका है। दोनों ही ब्लैकबस्टर रोमांचक महामुकाबला जैसे ही खत्म हुआ, आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में भूचाल सा आ गया है। गुजरात, हैदराबाद, पंजाब सहित पांच टीमों को लग गया है बड़ा झटका। आईपीएल 2024 का नया पॉइंट्स टेबल जारी हो चुका है। इस पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम किस स्थान पर मौजूद है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल 2024 के नए पॉइंट्स टेबल में क्या बड़ा उलटफेर हुआ है, कौन सी टीम कितने नंबर पर है, बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाली टीमों को प्लेऑफ में जाने के लिए अभी कितने मैच और जीतने पड़ेंगे, कौन सी टीमें प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। आईपीएल 2024 का बिल्कुल नया पॉइंट्स टेबल आप सभी को बताएंगे। वीडियो के अंत में आपको यह भी बताएंगे कि किस खिलाड़ी के पास ऑन रेंज कैप है और किस खिलाड़ी के पास पर्पल कैप, इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करें, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आप इस आईपीएल में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, देखते हैं किस टीम के फैंस सबसे ज्यादा हमारी वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, पहला मैच दोपहर में श्रेयस अय्यर की टीम केकेआर और केएल राहुल की टीम लखनऊ के बीच ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में बहुत रोमांचक महामुकाबला खेला गया। दोनों ही टीमों के मध्य में करारी टक्कर हुई, जबकि दूसरा मैच शाम को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई और चेन्नई के बीच खेला गया था। दोनों टीमें पांच बार आईपीएल ट्रॉफी जीत चुकी हैं। इन दोनों ही टीमों के बीच की राइवलरी देखकर मजा ही आ गया। सांस रोक देने वाले दोनों धमाकेदार मुकाबले की समाप्ति के बाद आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल का समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। पॉइंट्स टेबल में बहुत ही बड़ा बदलाव हो गया है। तो आइए दोस्तों, अब आपको आईपीएल 2024 के नए पॉइंट्स टेबल के बारे में बताते हैं। दोस्तों, पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे 10वें नंबर पर यानी कि बॉटम में आरसीबी की टीम मौजूद है। दोस्तों, जिस तरह से आरसीबी की फैन फॉलोइंग आरसीबी को सपोर्ट करती है, उस तरह से आरसीबी तो बिल्कुल भी खेल नहीं दिखा रही है। आरसीबी के फैंस को एक बार फिर से निराश होना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों, आरसीबी अभी तक टोटल 6 मुकाबले खेल चुकी है, जिनमें उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक मुकाबले में ही जीत मिली है। बाकी के 5 मुकाबले में शर्मनाक तरीके से हार झेलनी पड़ी है। आरसीबी का प्लेऑफ में पहुंचने का सफर लगभग समाप्त हो चुका है। आरसीबी के पास पॉइंट्स टेबल में इस समय सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। आरसीबी का नेट रन रेट -1.124 है। आपको बता दें, अभी भी आरसीबी के पास खेलने के लिए 8 मैच बचे हुए हैं, लेकिन आरसीबी चाहकर भी अब प्लेऑफ तक पहुंच नहीं सकती है। जबकि दोस्तों, इसके बाद पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर ऋषभ पंत की टीम दिल्ली कैपिटल्स मौजूद है। आपको बता दें, दिल्ली प्लेऑफ में अभी भी पहुंच सकती है, लेकिन उनके लिए रास्ता बहुत कठिन हो चुका है, क्योंकि दोस्तों, दिल्ली की टीम अभी तक टोटल 6 मुकाबले में पार्टिसिपेट कर चुकी है, जिसमें सिर्फ 2 मुकाबले में जीत मिली है। बाकी के 4 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें, दिल्ली के पास इस समय पॉइंट टेबल में मात्र 4 पॉइंट्स हैं और इस समय दिल्ली का नेट रन रेट -0.975 है। दिल्ली को अगर प्लेऑफ का टिकट लेना है तो अपने बचे हुए 8 मुकाबले में से अभी 6 मुकाबले में जीत दर्ज करनी होगी। दिल्ली के पास 30% ही चांस बचा हुआ है कि वह प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएंगे। तो वहीं पर दोस्तों, इसके बाद पॉइंट्स टेबल में 8वें नंबर पर पंजाब किंग्स की टीम मौजूद है। दिल्ली की तरह ही पंजाब टीम की भी हालत खराब हो चुकी है। पंजाब के पास इस समय पॉइंट्स टेबल में 4 पॉइंट्स हैं और इस समय इनका नेट रन रेट -0.218 है। आपको बता दें, पंजाब की टीम टोटल 6 मुकाबले खेल चुकी है, जिनमें उन्हें 2 मुकाबले में जीत और 4 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। शिखर धवन को अपने आने वाले मुकाबले में और भी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस दिखाना होगा, तभी उन्हें प्लेऑफ में जगह मिल पाएगी। प्ले ऑन ऑफ में जाने के लिए पंजाब को अभी कम से कम 6 मैच में जीत दर्ज करनी होगी।
तो वहीं पर दोस्तों पॉइंट्स टेबल में सातवें नंबर पर रोहित शर्मा की टीम मुंबई इंडियंस है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुंबई 5 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर चुकी है। एक बार फिर ट्रॉफी उठाने के लिए मुंबई पूरा प्रयास कर रही है। आपको बता दें मुंबई टोटल 6 मैच खेल चुकी है जिसमें उन्हें 2 मुकाबले में जीत मिली है और बाकी के 4 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। मुंबई के पास पॉइंट्स टेबल में 4 पॉइंट्स पॉइंट और इस समय इनका नेट रन रेट -0.432 है। मुंबई को प्ले ऑफ में टिकट पाने के लिए अभी बचे हुए 8 मैचों में से 6 मैच और जीतने होंगे। जबकि दोस्तों इसके बाद पॉइंट्स टेबल में 6ठे नंबर पर गुजरात टाइटंस टीम मौजूद है। शुभमन गिल की बेहतरीन कैप्टनसी में गुजरात की टीम अभी तक टोटल 6 मुकाबले खेल चुकी है जिनमें उन्हें 3 मुकाबले में जीत और 3 ही मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें गुजरात को प्ले ऑफ में जगह बनाने के लिए अपने बचे हुए 8 मैचों में से 5 मैच और जीतने पड़ेंगे। गुजरात के पास इस समय पॉइंट्स टेबल में 6 पॉइंट्स और इस समय गुजरात का नेट रन रेट -0.637 है। जबकि दोस्तों इसके बाद पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर केएल राहुल की टीम लखनऊ मौजूद है। आपको बता दें लखनऊ अभी तक 6 मुकाबले में पार्टिसिपेट कर चुकी है जिनमें उन्हें 3 मुकाबले में जीत और 3 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। लखनऊ के पास पॉइंट्स टेबल में 6 पॉइंट्स है। लखनऊ की टीम प्लेऑफ की प्रबल दावेदार टीम मानी जा रही है। लखनऊ के पास आपको बता दें अभी खेलने के लिए 8 मैच बचे हुए हैं जिसमें से अगर लखनऊ 5 मैच में बाजी मार लेती है तो प्लेऑफ का दरवाजा उनके लिए खुल जाएगा। इस समय लखनऊ का नेट रन रेट +0.038 है। तो वहीं पर दोस्तों पॉइंट्स टेबल में 4थे नंबर पर हैदराबाद की टीम मौजूद है। पैट कमिंस की कप्तानी में हैदराबाद 5 मुकाबले खेल चुकी है जिनमें उन्हें 3 मैच में जीत मिली है, बाकी के 2 मैच में हार झेलनी पड़ी है। हैदराबाद के पास इस समय पॉइंट्स टेबल में 6 पॉइंट्स और नेट रन रेट की बात करें तो इस समय +0.344 है। हैदराबाद अभी 8 मैच और खेलेंगी। हैदराबाद अगर बचे हुए 8 मैचों में से 5 मैच जीत लेती है तो प्लेऑफ में इनका पहुंचना तय हो जाएगा। जबकि वहीं पर दोस्तों पॉइंट्स में 3रे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स मौजूद है। आपको बता दे चेन्नई के पास पॉइंट्स टेबल में 8 पॉइंट्स है। चेन्नई अभी तक टोटल 6 मुकाबले में पार्टिसिपेट कर चुकी है जिनमें उन्हें 4 मुकाबले में जीत और 2 मुकाबले में हार झेलनी पड़ी है। चेन्नई का नेट रन रेट इस समय +0.981 है। आपको बता दे चेन्नई को अगर प्लेऑफ में पहुंचना है तो उन्हें अभी 4 मैच और जीतने होंगे। तो वहीं पर दोस्तों पॉइंट्स टेबल में 2रे नंबर पर श्रेयस अय्यर की टीम केकेआर मौजूद है। केकेआर अभी तक 5 मैच खेली है जिनमें उन्हें 4 मुकाबले में जीत और 1 ही मुकाबले में हार मिली है। केकेआर के पास इस समय पॉइंट्स टेबल में 8 पॉइंट्स है। केकेआर का नेट रन रेट +1.688 है। केकेआर आईपीएल के इस सीजन में काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रही है। केकेआर को प्लेऑफ में जाने के लिए अभी 4 मैच और जीतने पड़ेंगे। इनके पास खेलने के लिए 9 मैच बचे हुए हैं। तो वहीं पर दोस्तों पॉइंट्स टेबल में 1ले नंबर पर संजू सैमसन की टीम राजस्थान रॉयल मौजूद है। आपको बता दें अभी तक राजस्थान 6 मुकाबले खेल चुकी है और इनको 5 मुकाबले में जीत मिली है, सिर्फ 1 मुकाबले में ही हार झेलनी पड़ी है। राजस्थान के पास इस समय पॉइंट टेबल में 10 पॉइंट्स है। संजू सैमसन और रियान पराग की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी राजस्थान को पॉइंट्स टेबल में सबसे टॉप पर बरकरार रखी हुई है। राजस्थान का नेट रन रेट +1.972 है। राजस्थान अभी 8 मुकाबले और खेलेगी जिनमें से इन्हें सिर्फ 3 मुकाबले ही जीतने हैं प्लेऑफ में क्वालिफाई होने के लिए। जबकि दोस्तों आपको बता दें ऑरेंज कैप विराट कोहली के पास है तो वहीं पर दोस्तों पर्पल कैप यूजी चहल के पास है।